जनपद मुरादाबाद का ये ठाकुरा तहसील है और ठाकुर तहसील से मैं रिपोर्टर सगी रूप चंकी पांडे राष्ट्रीय रिपोर्टर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ शनिवार का बाजार बड़े पैमाने पर होता है और यहाँ देखिए शनिवार के बाजार में हाईवे रोड पर यहाँ मैं दिखा रहा हूँ लगातार अपनी वीडियोज में गड्ढे और खड्डे लगातार हैं, उनमें आज वर्षा होने के कारण पानी भर गया है और बारिश में सभी दुखी हो गए हैं। और यहाँ बड़े पैमाने पर देहात का बाजार होता है और देहात में देखिए ये हमारे कुछ जो बेचारे फल बेचने वाले फल लगाने वाले, ऐसे में इनका देखिए क्या हो, और नए साल की नववर्ष मनाने की तैयारियां चल रही हैं और नया साल नज़दीक है और ये लोग अपने महंगाई को रो रहे हैं और दुकानदारी ना होने को रो रहे हैं। इसमें देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जनपद मुरादाबाद का ठाकुरा तहसील है और ये कदीर तिराहा है। कदीर तिराहे के बाद यहाँ देखिए पानी भर गया है और यहाँ अक्सर हाईवे रोड है, हाईवे रोड के पास ये अक्सर बाजार लगता है, महिलाओं का बाजार होता है बड़े पैमाने पर। और आज देखिए बाजार की स्थिति परिस्थिति बुरी हो गई है क्योंकि गड्ढों और खड्डों में पानी भर गया है और ऐसे में वेलकम है हमारे न्यूज चैनल में। देखिए भैया हमारे इनका नाम भाई भैया अकबर अली, अकबर अली जी को वेलकम हमारे न्यूज चैनल द क्रेजी मैन न्यूज चैनल में दिखाया जा रहा है। सर जैसा देखिए अब ये देश में हाहाकार मचा पड़ा है और किसान अपने इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके बाद यहाँ देखिए मंदी बुरी तरह से छाई है और जैसा कि आप यहाँ पर भैया फल बेचते हैं बेचारे फल वाले हैं, ऐसे में आप बताएंगे कि क्या हाल है आपका और देश में क्या स्थिति? पट हो गए उधर दूसरी तरफ हैप्पी न्यू ईयर मनाने की तैयारी चल रही है और सरकार के द्वारा अब देखिए नया साल आया नववर्ष आया तो नववर्ष में लोग भैया क्या आबाद है या बर्बाद? बर्बाद हो गए। तो नया साल किस तरह से मनाएंगे? जब पैसा ना होगा तो कहाँ से मनाएंगे? पैसा नहीं होगा तो कहाँ से मनाएंगे? देखिए और देखिए यहाँ लगातार मैं वीडियोस दिखाता रहता हूँ ये और देखिए यहाँ सड़कों में गड्ढे और खड्डे देखिए पानी पूरी तरह से भरा हुआ है और देखिए यहाँ ये देखिएगा ये स्थिति परिस्थिति और देखिए एक भाई है हमारे भैया वेलकम नहीं यार कुछ देखिए बड़ा दुख होता है जो देश को चला रहा है, देश का मजदूर और किसान मध्यम वर्ग जिसके हाथ में पावर होनी चाहिए और वो चुप बैठ गया है, जो कहीं ना कहीं डरा हुआ है सहमा हुआ है। सर सही है या गलत? सही है। तो देखिए जब तक आप लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, आवाज़ जब तक अपनी बुलंद नहीं होगी तब तक कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि हम नेताओं के भरोसे बैठेंगे तो लूटते रहेंगे। चलिए कोई बात नहीं है, आप नहीं बोलते लेकिन मैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से द क्रेजी मैन न्यूज़ चैनल हौसला सच दिखाने का भैया वेलकम है न्यूज चैनल में हमारे। सर कहाँ पर रहते हैं? ठाकुर द्वारा में रहते हैं। भैया हैप्पी न्यू ईयर मनाने की तैयारी चल रही है, किसान अपनी मांगे लड़ रहे हैं, किसान इस टाइम हड़तालों पर बैठे हैं और अपनी मांगे मनवा रहे हैं लेकिन सरकार कोई सुनने के नहीं दे रही है। भैया ऐसे में क्या देश में नया साल किस तरह से मनाया जाएगा, क्या हाल है बताइए? मजदूर और किसान कहीं आबाद हुआ है या बर्बाद हुआ है? बर्बाद ही है। बर्बाद है। अगर इस तरह से रहेगा तो क्या हाल होगा देश का? देश बर्बाद ही रहेगा। देश बर्बाद ही रहेगा। और देखिए ये लगातार मैं इस वीडियोस को दिखाता हूँ कि यहाँ हाईवे है और देखिए अक्सर महिलाओं का बाजार होता है शनिवार का बाजार, यहाँ गड्ढे खड्डे हैं और पानी भर जाता है। तो क्या ये इसको सरकार को ठीक कराने चाहिए नहीं कराने चाहिए? कोई ध्यान ही नहीं है इधर। नगर निगम को अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठना चाहिए या इसको सही करा देना चाहिए? पट्टी बांध के ही बैठे हैं सब लोग। सब पट्टी बांध कर बैठे हैं और देखिए मजदूर और किसान कहीं ना कहीं डर गया है क्योंकि उसे इतना डरा दिया गया। अच्छा भैया किससे डरता है ये? दबाव सरकार के ही दबाव है। सरकार का दबाव है। प्रशासन तो जनता की रक्षा के लिए होता है, फिर जनता क्यों इतना डरती है? वर्दी से क्यों डरती है जनता? कुछ बोलेंगे? चलिए
वेलकम भैया हमारे न्यूज चैनल में। देखिए एक भाई मेरे फल बेचने वाले हैं और देखिए मैं इनको लाइन पे जरूर लूंगा। ये भैया मेरे भैया वेलकम है न्यूज चैनल में हमारे। भैया जैसा कि नया साल नववर्ष मनाने की तैयारी कर रही है, हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे में किसान आबाद है या बर्बाद है? मजदूर मजदूर तो बर्बाद ही है, बर्बाद है। अच्छा देखिए सुबह से आप इस ठेले को लिए घूम रहे हैं और फल बेच रहे हैं, भैया क्या लग रहा है आपको बाजार की स्थिति देख करके, शाम को रोटी मिल पाएगी? नहीं लग रहा सब ऐसी लग रहा बेकार की बात है कि सन 2020 लगी थी उस समय हमने दुआएं करी थी जी, बातें की है सन 2020 सही गुजरे सभी के लिए, सभी के लिए देशवासियों के लिए नहीं विश्व के लिए अच्छी तरह से सन 2020 गुजरे जी। लेकिन उसके बाद जो है ये 2020 की ऐसी गई, अब जो है किस लग रही है, किस लग रही है, तो इसमें क्या है भैया? इसके लिए दुआएं कर रहे हैं हम भी ऊपर वाले से आपकी दुआ करें। अच्छा देखिए ये जो लगातार इसमें गड्ढे और खड्डे तमाम पानी भरा पड़ा है यहाँ हाईवे रोड पर, ये नगर निगम को सरकार को सुननी चाहिए क्या, इसे इग्नोर करना चाहिए? ये इसमें बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसा होता है हम जाते हैं घरों में ठेला लेके कहीं भी अच्छे लगते जाता है जाते हैं जी, तो इसका जिम्मेवार कौन है भैया? जिम्मेदार तो इसमें लोक निर्माण विभाग हुआ, तो इसको इसकी आवाज़ कौन उठाएगा भैया? जनता को आवाज़ उठानी चाहिए, जनता हम तो आवाज़ उठाने के लिए तैयार है, जो जितने भी भाई हमारे हैं आप इन्हें कवरेज करें जितने भी ये खड़े हुए हैं। अच्छा भैया जैसे कि नया साल मनाने की तैयारी है तो जो खुशी है लुट चुका है, हाँ मैं मुझे सच दिखाने का बहुत बड़ा दोषी हूँ मैं, क्योंकि सच दिखाना नहीं चाहिए इस समाज में, जो सच दिखाएगा वो पागल है और जो सच सामने लाएगा वो पागल है, तो भैया सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सही बात। तो भैया देखिए ऐसे साउ वेलकम है आप हमारे न्यूज़ चैनल में दिखाया जा रहा है, और देखिए अस्सलाम वालेकुम हमारे चैनल सर, कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं साउ? चाऊपुरा मसवासी बंका। अच्छा बंका वाला चाऊपुरा। अच्छा देखिए आपको सच की कसम है और हम मोहम्मद साहब की उम्मत में है, नबी की उम्मत में है, सच का हमें साथ देना चाहिए, सच का छोड़ देना चाहिए, साथ देना चाहिए, सत्य में जेते सच, सच पे चलने वालों को हमेशा राहत है, तो आखिर सच क्यों नहीं बोलते हैं लोग, सच का साथ क्यों नहीं देते, सच का साथ क्यों नहीं देते? सच का साथ देना चाहिए, देना चाहिए। अगर हम सच का साथ ना दें तो हम वतन के गद्दार हैं या वतन के रहनुमा हैं, वतन के गद्दार हैं या वतन के रहनुमा हैं अगर हम सच का साथ ना दें तो। अब कौन देगा सच का साथ? अच्छा देखिए मेरा छोटा सा प्रश्न है कि हमें चुप रहना चाहिए या जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए? जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए या चुप रहना चाहिए? हमारे नबी ने भी कहा है जो जुल्म सहता है दोषी है और जुल्म करने वाला भी दोषी है, तो हमें जुल्म सहना चाहिए या जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए? आवाज़ उठानी चाहिए, तो हम आवाज़ क्या आवाज़ अपनी उठाए हुए हैं, हम नबी के बनाए हुए एहसान पर रास्ते पर चल रहे हैं, या हिंदू भाई हमारे जो कृष्ण भगवान ने रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चल रहा है, सभी कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं और झूठ के भागीदार हैं, इसी तरह से ये देश लूट रहा है और सब लूट रहे हैं। चलिए वेलकम है आपके लिए। जनपद मुरादाबाद का ठाहुआरा तहसील है ये, और देखिए मैं अक्सर मजदूर और किसानों की ये वीडियोस बनाता हूँ, मजदूर और किसानों की मिलाता हूँ, अक्सर मुझे दुख होता है जो मेरा भाई मजदूरी करने वाला है, ठेला लगाने वाला है, जब मैं वहाँ वीडियो कवरेज करने कैमरे के सामने तो कैमरे के सामने आने से लोग डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं डरा दिया गया है, सहमा दिया गया है। भैया वेलकम। हाँ भैया कहाँ रहते हैं भाई मेरा? भैया टांडा रहते हैं। देखिए भैया टांडा रहते हैं, भैया यहाँ आप चार पैसे कमाने के लिए तो आए होंगे ठाकुरवारा में, आज कैसा लग रहा है आपको जहाँ, जब यहाँ पर वर्षा पड़ गई है और यहाँ आज का बाजार पिट गया है तो आपको कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है। अच्छा देखिए चुप रहना सबसे बड़ा देशद्रोह है, तो हमें चुप रहना चाहिए या अपनी बात को कहना चाहिए? सर कहनी चाहिए। सर वेलकम है हमारे न्यूज़ चैनल में। सर हम अगर अपने जुल्म की आवाज़ ना उठाएं तो हम दोषी हैं? हम खुद दोषी हैं, हम खुद दोषी हैं। वेरी गुड। देखिए और जैसा कि जो अपने जुल्म के जुल्म कहता रहे वो खुद जालिम है, वो जालिम है। देखिए ये भाई ये मर्द है, भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुबीन फारूकी। मोहम्मद मुबीन फारूकी, और ये तो विचार, देखिए ये अपनी बात को खुलकर कहना है और इन्हें किसी का डर नहीं, क्योंकि ये सिर्फ आखरत को पहचाने हुए हैं और ये खुदा को जाने हुए हैं, क्योंकि भैया हमें
यहाँ 4 दिन का मेला है और फिर झमेला है, क्योंकि बाद में हमें यहाँ से अलविदा के जाना है। चलिए, वेलकम है मेरे चीज चैनल में सच बोलने के लिए। और देखिए, ये गाड़ी अभी अभी कहीं से आ रही है और ये घटना ग्रस्त हुई है। और ऐसे ही जब तक इस रोड में, इस हाईवे पर गड्ढे रहेंगे, खड्डे रहेंगे, इसी तरह से दुर्घटनाएं होती रहेंगी, घटनाएं होती रहेंगी। और घटनाओं का शिकार होने के बाद में पुलिस प्रशासन तुरंत पहुंच जाता है, उससे पहले कोई ड्यूटी पर तैनात नहीं रहता है। देखिए, मैं लगातार दिखा रहा हूं, लेकिन पर नगर निगम सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी इसकी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। द क्रेजी मैन न्यूज़ चैनल, हौसला सच दिखाने का।